खबर हल्द्वानी से है, जहां बीते दिनों हल्दू चौड़ हाईवे में आवारा मवेशी द्वारा युवक की दर्दनाक मौत के बाद एक बार फिर प्रशासन नींद से जागा है और आवारा पशुओं को पकड़ने का काम शुरू हो गया है। साथ ही पशुओं के कान में लगे टैग के आधार उनके स्वामियों का पता लगा, उन पर कार्यवाही की जा रही है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि लाल कुआं में नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से 11 गायों को भी पकड़ा गया है। इन 11 गायों में से 3 गायों में टैग लगा पाया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि आवारा जानवरों पे पकड़ा जाए और साथ ही जो इनपे टैग लगे हुए हैं और चिन्हित हो रहे हैं किनके हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। इन्हीं निर्देशों के क्रम में लाल कुआं तहसील अंतर्गत कल अभियान चलाया गया था और आज भी अभियान जारी है। तो अभी तक 2 टैग वाले हमारे पास जानवर पकड़ में आए हैं और इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई, इनके मालिकों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के लिए थाना अध्यक्ष लाल कुआं को निर्देशित किया गया है।